श्री गणेशाय नमः। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय यही प्रश्न पृथ्वीपति मानधाता ने लोमेश ऋषि से किया था। जो कुछ लोमेश ऋषि ने राजा मानधाता को बताया था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। धर्म के रहस्यों के ज्ञाता राजा मानधाता ने लोमेश ऋषि से पूछा, हे महर्षि, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। लोमेश ऋषि बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में चैत्रत नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहाँ हर समय वसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उस समय च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में भगवान शिव जी की तपस्या कर रहे थे। उस समय मंजुघोषा नाम की अप्सरा वहां से गुजर रही थी। तभी उस अप्सरा की नजर मेधावी पर पड़ी और वह मेधावी पर मोहित हो गई। इसके बाद अप्सरा ने मेधावी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ढेरों जतन किए। मंजुघोषा को ऐसा करते देख कामदेव भी उनकी मदद करने के लिए आ गए और कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुए। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हृष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होते थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया, तो मेधावी मुनि भी मंजुघोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। मेधावी मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। उस मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन रात का कुछ भी ध्यान न रहा और बहुत समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजुघोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा की बात सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार उन्होंने साथ साथ बहुत समय बिताया। एक दिन फिर मंजुघोषा ने मेधावी मुनि से कहा, हे देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। इस बार फिर मुनि ने कहा, हे सुंदरी, अभी तो कुछ भी समय नहीं व्यतीत हुआ है, अभी कुछ समय और ठहरो। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया, अब और अधिक समय तक ठहरना क्या उचित है? उस अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें बोध हुआ कि उन्हें रमण करते करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ हो जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। वह अत्यंत क्रोधित हुए और उस तपनाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तान कर देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थर थराते स्वर में वह उस अप्सरा से बोले, अरे दुष्टा, मेरे तप को नष्ट करने वाली तू महान पापिन और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है, अब तू मेरे शाप से पिशाचिनी हो जा। उन मुनि के क्रोध युक्त शाप से वह पिशाचिनी हो गई। फिर व्यथित होकर बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत
अच्छा फल देने वाली है, इसलिए आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचनी होना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मेधावी मुनि को अपने क्रोध पर ग्लानी भी हुई और अपनी अपकीर्ति का भी भय हुआ, अतः पिशाचनी बनी मंजू घोषा से उन्होंने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचिनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचनी की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी। फिर अपने पापों के प्रायश्चित के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोले, हे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया है? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा सारा तेज क्षीण हो गया है। मेधावी लज्जा से सिर झुकाकर बोले, पिताजी, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक चली गई। लोमिश मुनि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से भ्रम हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मदपान करने वाले, अगम्या गमन करने वाले आदि पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। एक बार प्रेम से बोलिए, राधे राधे।